नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। भाजपा की विकास यात्रा इन दिनों हर गांव में पहुंच रही है। विकास यात्रा में विकास के नाम पर ढिंढोरा पीटा जाता है और महत्वाकांक्षी योजना और उनके लाभ के बारे में जमकर ताली बजवाई जाती है। परत्योथर विधानसभा की गंगतीरा गांव में कुछ ऐसा हुआ कि विकास और महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभ की पोल खुद वरिष्ठ भाजपा नेता के पुत्र व सरपंच प्रतिनिधि संजीव प्यासी ने खोल दी। विधायक की मौजूदगी में उनके जुमले वादे की पोल खुल गई, क्योंकि गंगतीरा गांव में ग्रामीणों को लगभग 6 माह से खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, जिसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से भी की गई। चक्का जाम भी किया गया, पर ग्रामीणों को मिली तो सिर्फ आश्वासन के नाम पर तारीख पे तारीख। शायद ये त्योथर तहसील का कोई एक गांव का मामला नहीं, ये हाल ही में अन्य गांव में भी किसी को पूरा खाद्यान्न नहीं मिलता। पर जनाब, देखे कौन और सुने कौन, क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। शायद इसलिए विकास यात्रा में खुद के नेता ने ही पोल खोल दी, जिसके बाद जनप्रतिनिधि भी मौन हो गए। वहीं 4 दिन पुराना वीडियो वायरल होने के बाद लोग कुछ अलग ही अंदाज में चुटकी ले रहे हैं। नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन माननीय विधायक जी, सांसद जी आज तक जो है बदले की भावना के साथ नीरज पांडे जी कार्रवाई करते हैं। बताइए कहाँ करने आए हैं? हम ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई है सरपंच, हमारा बिजली सी है, हमारा जिला पंचायत सदस्य है, हमारा जनपद अध्यक्ष है, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष है, हमारे सांसद है, हमारे विधायक है, हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री है, और हम इस आवाम को गल्ला नहीं देते। अब किस लिए सरपंची करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं चाहिए मुझे ऐसा पद जिसमें जनता की आह लगी है। 5 किलो अनाज मिलता है माननीय, और उसके लिए इनको 10 चक्कर जाना पड़ता है। बताइए कितनी वो क्या है, मैं कैसे निवेदन करूँ, कैसे कहूँ, मुझे लालच है। मैं 8 महीने से इसके पीछे दौड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे अपमान किया जाता है अधिकारियों का। अधिकारियों में कोई लंकुश नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल धूमिल हो चुकी है। महोदय, मैं अपनी भाषा को कैसे व्यक्त करूं कि मेरी आप भावना आपको समझ सके। ये हाल है, सैकड़ों की जनता है, पता नहीं तक क्या जवाब दूं जनता को, कैसे जवाब दूं। श्रीमान जी मेरी बातियां को समझे और निराकरण कराए, जनता को आश्वासन दीजिए कि नहीं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बस ठीक है।